तो अभी मैंने डेमो के लिए देखो ये इंडिकेटर लगाया, देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने ये डेमो के लिए ऐसे लगाया, आप लोगों को फर्क समझ आए। और एक बात, तो अगर आप लोग किसी को जानते हो जिसके पास गोप्रो होगा या कोई गोप्रो सेल कर रहा होगा, आपके फ्रेंड के पास होगा, आपके कोई रिश्तेदार के पास होगा, तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर दूंगा। तो जी भाई साहब, क्या हाल है आप लोगों के? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा शिवर हो रहा हूँ ना, इतनी ज्यादा ठंड है, तो माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। आज हम कहीं पर राइड के लिए नहीं गए। तो वैसे आज का वीडियो सिंपल रहने वाला है, मतलब आप लोगों के लिए सिंपल रहेगा लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो वैसे पता नहीं मैंने थंबनेल और टाइटल क्या डाला, तो आप लोगों को बता दूं, आज हमारे पास ये पार्सल पहुंच गया था रेसिंग जेबी से। तो इसमें क्या आया है वो आपको दिखाते हैं। इसमें आया है ये ट्रायंगुलर इंडिकेटर्स फॉर R15M और R15V4 के लिए। तो मैं आपको आज सेटअप बाय सेटअप दिखाऊंगा कि आप लोग को क्या क्या बॉडी पार्ट्स खोलने हैं R15V4 या R15M में, आप लोग ये घर में ही इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी लेबर चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग घर में भी इसको फिक्स कर सकते हो। ये बस जरूरी नहीं है ट्रायंगुलर हो, चाहे जो भी किस्म का कोई भी टाइप का इंडिकेटर हो, वो भी आप घर में इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको इजी सेटअप्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब भी कर देना, आज मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो अभी डायरेक्टली बाइक पे मिलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या स्क्रूज आपको कहां पर खोलने हैं, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाएंगे। तो जी देखो ये हमारी बाइक हमने यहाँ पर लगा दी है, तो आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या आपको खोलना है। तो सिंपली क्या करना है, जो ये वाला पार्ट होता है ना अंदर का, जो ये वाला पार्ट है, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक स्क्रू आता है, सबसे पहले हम ये खोलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव करना है, और जो नीचे वाला है इसको भी रिमूव करना है, ताकि इस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए, वरना इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसको रिमूव करेंगे। पार्ट है इसके नीचे और एक पार्ट है जिसका इसका स्क्रू लगा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये वाला जो बॉडी है ये नहीं खोलना है, हमें खोलना है अंदर का बॉडी, ताकि जो हमारा इंडिकेटर वो इस साइड पे आता है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये वाला नट खोलना है और अंदर से आता है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जो ये वाला, ये कुछ इसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको बस प्रेस करना पड़ता है, ये खुद ब खुद ये लॉक बाहर आ जाता है। एक तो यहां पर आता है, और ऊपर के साइड यहां पर एक और नट आता है विंगलेट के पास, जहां पर मैंने विंगलेट लगाया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये भी हमें खोलना है, सेम प्रोसेस उस वाले पैनल से भी करना है, और हमें आना है ऊपर के साइड से। तो ये रहा हैंडल, तो हैंडल के पास आप लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पर जो ये लॉक है, तो मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा बहुत अंदर साइड होता है, तो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है खोलना, बट इसमें अगर आप प्रेस करोगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। बस ये भी लॉक रहता है, और यहाँ के अंदर साइड से और एक लॉक आता है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अंदर के साइड ये एक लॉक आता है, तो ये भी हमें खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये सारे जो नट्स हैं ये खोलूंगा, इस साइड के भी और उस साइड के भी नट्स खोलूंगा, तो आपको एंड पे दिखाऊंगा खोल के आपको कैसे ये जो बॉडी है वो रिमूव करनी है। इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर जो कि आपको बाइक में ही मिलेगा, बाइक की किट में मिलेगा, सीट के नीचे देखो एलन की एक मिलती है, और ये वाला स्क्रू ड्राइवर मिलता है। तो ये हमने निकाल दिया, इसी से हम इन सबको निकालेंगे। तो लॉक आपको दिखाएंगे लॉक कैसे खोलते हैं, और सबसे पहले मैं ये दो स्क्रूज खोलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ लॉक आप कैसे खोल सकते हो। आप लोग देख सकते हो मैंने देखो इस स्क्रू ड्राइवर से जो ये वाला जो नट है ये निकाल दिया, और दूसरा जो यहाँ पर मिलता है ये भी निकाल दिया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे थोड़ा बहुत आराम से खींचना है। तो मैं पहले फोन बंद रखूंगा और इसको आराम से निकालूंगा लॉक से, जो कि ये वाला पैनल होता है ये इन्हीं दो स्क्रूज में बंद रहता है। तो इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ट्राईपॉड नहीं है, मैं उसी से ट्राई करता, बट क्या करें यार, फोन भी खुद ही उठाना पड़ता है। तो अभी इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जी अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा बहुत ऐसे निकाला, जो कि ये वाला पार्ट है ना इसको थोड़ा बहुत अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है, इस तरह। आपको इस तरह नहीं खींचना है, आपको उस तरह से खींचना है। तो यहाँ पर मैंने ये निकाल दिया है, तो सेम उस वाले साइड से भी करना है। तो यहाँ पर आप अगर आप लोगों को नट दिख रहा है और एक नट है, ये हमें रिमूव करना है। फिर हमें इस पार्ट का जो ये अंदर से जो लॉक है वो मैं दिखाता हूँ वो कैसे निकालना है। तो लॉक निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जो कि ये स्क्रू ड्राइवर है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। स्क्रू ड्राइवर है जो बीच में जो ये होल होता है इसको दबाना है, और आपका जो लॉक है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इजीली रिमूव हो जाता है, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा भी आप कैसे वापस लगा सकते हो। तो जी अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ ऊपर साइड से एक नट आता है विंगलेट के पास, यहाँ पर इस अंदर वाले साइड से, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, और मैंने सेम यहाँ से भी रिमूव कर दिया। तो अभी आपको क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो जी अभी आप लोग देख सकते हो ये वाला जो नट था अंदर का, ये मैंने रिमूव कर दिया। जो ये वाला पार्ट है ना, ये जरूरी नहीं है आपको बाहर निकालना है, बस ये वाला नट निकालने के लिए आपको ये थोड़ा सा बाहर निकालना है। तो अब ये इजीली देखो बाहर निकल सकता है, तो मैं फोन नीचे रखता हूँ और इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो जो ये वाला पार्ट है ये मैंने रिमूव कर दिया, काफी ज्यादा इजी था रिमूव करना, थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान से रिमूव करना है। तो अब हमें क्या करना है, जो इंडिकेटर की जो वायरिंग है ना वो होती है यहाँ पर। तो अब हमें जो ये वाला जो मैंने लॉक दिखाया था इसको खोलते हैं, और जो कि यहाँ पर आता है वो मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है, इसको खोलते हैं और इस पार्ट को हटाते हैं। जो जो कि इंडिकेटर्स के जो कनेक्शन होते हैं ना दोनों साइड से, इसके होते हैं राइट साइड से, वहाँ से होते हैं लेफ्ट साइड के, तो इनको डिसकनेक्ट करते हैं, फिर जो इंडिकेटर हैं वो भी दिखाएंगे वो कैसे बाहर निकालते हैं। तो जी जो ये वाला पार्ट है ना ये मैंने रिमूव कर दिया, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, जो इसमें ये वाला लॉक यहाँ पर रहता है इसको थोड़ा बहुत आराम से खींचना पड़ता है ताकि प्लास्टिक को कुछ ना हो, तो ये हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये नीचे रख दिया। तो जो ये वाले दो वायरिंग आपको दिख रहे हैं ये हैं इंडिकेटर्स के, तो ये हम डिस्कनेक्ट करेंगे, तो फिर निकालेंगे जो इंडिकेटर है ना राइट साइड का ये बाहर निकालेंगे, तो ऐसा ही हम सेम करेंगे लेफ्ट साइड में। तो फिलहाल ये निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं वो आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो जी यहाँ पर इंडिकेटर में एक लॉक रहता है जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है, तो वो वाला लॉक अगर आप अच्छे से उसको खींचना पड़ता है ऐसे, मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा, देखो मुझे कितनी मेहनत लगी हाथों को क्या हुआ। तो देखो हमारा इंडिकेटर रिमूव हो चुका है यहाँ पर, तो मैं आपको वो लॉक भी दिखाऊंगा। तो इंडिकेटर देखो मैंने इस साइड का कर दिया है रिमूव, तो वो दिखाएंगे वो लॉक आपको कैसे खोलना है, थोड़ा बहुत आपको जोर देना पड़ता है वहाँ पर, फिर आप वो अच्छे से रिमूव कर सकते हो। तो जी ये रहा इंडिकेटर जो कि हमने बाहर निकाल दिया इसका। तो जो ये वाला लॉक है ना इसको थोड़ा बहुत ऐसे खींचना पड़ता है, तो ये इस ट्रायंगुलर टाइप में होता है अपने इंडिकेटर के साथ, तो इसको थोड़ा बहुत खींचना पड़ता है तभी जो आपका जो इंडिकेटर है वो बाहर निकलेगा, वरना थोड़ा बहुत मेहनत, आपको डरना नहीं है बस उसको खींचना है डरने के बगैर, फिर ये इजिली इन लॉक से बाहर निकल के बाहर निकल जाएगा। तो अभी ये निकालते हैं और वहाँ से भी निकालते हैं दूसरा वाला, तो फिर आपको एंड पे दिखाएंगे हम कैसे जो दूसरे वाले इंडिकेटर्स हैं जो ट्रायंगुलर इंडिकेटर्स हैं वो इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जो ये इंडिकेटर्स है ना ट्रायंगुलर टाइप के, तो ये मैं कुछ इस प्रकार से लगा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, तो ऐसे ज़्यादा इजी अच्छा लगता है, ट्रायंगल साइड ऊपर से और यहाँ से प्लेन, तो कुछ मैं ऐसे बाइक पे लगाऊंगा। तो अब इसमें एक मसला रहता है, तो वो मसला क्या रहता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप लोग पुराने इंडिकेटर को चेक कर लो, इसमें कितनी लंबी तार है और जो ये ट्रायंगुलर है इसमें कितनी मतलब छोटी तार है, तो ये तो थोड़ी बहुत कम पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे जो इसकी जो तार है ना इसको काटेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, अगर हम दोबारा भी लगाएंगे तब इसको रिमूव करके इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे जो इसकी वायरिंग आती है इसमें कनेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा बहुत लंबा बनाएंगे और फिर इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो पहले इसको काटते हैं, थोड़ा बहुत इसमें ये वायरिंग को ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी मैंने डेमो के लिए देखो ये इंडिकेटर लगाया, देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने ये डेमो के लिए ऐसे लगाया आप लोगों को फ़र्क समझ आए। तो देखो ये है जो कि हमने लगाया ट्रायंगुलर और ये है स्टॉक का, देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है लाइट में भी, वो थोड़ा बहुत डिम लगता है, ये थोड़ा बहुत ब्राइट लगता है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में। तो अभी इसको भी सोचा आप लोगों को दिखाए ट्राई करके ये कैसा चलता है। तो जी यहाँ पर देख सकते हो, देखो मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने के बाद जो वायर है ये मैंने काट लिया, इस पुराने इंडिकेटर से इसमें कनेक्ट कर दिया, जो मैंने पुराना वाला जो कनेक्टर है ना यही लगा दिए, जो नए में आते हैं वो थोड़े बहुत छोटे आते हैं तो इसलिए मैंने पुराना वाला ही लगा दिया। तो आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी सिंपली आप लोगों को ये कैसे कनेक्ट करना मतलब इसमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये नट और वेसल दिख रही है, तो इनको हम रिमूव करेंगे, इनको अंदर वाले साइड से लगाना है ताकि जो वेसल है वो अंदर वाले साइड से आए और हम इस नट को कस के इंडिकेटर को इसमें बंद करेंगे। तो अभी इसको ऐसे बंद करेंगे फिर आपको दिखाते हैं, तो सेम उस साइड से भी ऐसा ही प्रोसेस करना है। तो अभी ये लगाते हैं फिर आपको लुक दिखाते हैं। तो जी देख सकते हो इस वाले साइड का जो इंडिकेटर वो हमने लगा दिया है, जो इसका वायरिंग है ना बस अब वो लगाना है जो कि ब्लैक में लगाना है और रेड ग्रीन में, चाहे जो भी कलर हो ब्लैक ब्लैक में लगाओ और जो दूसरा कलर है वो दूसरे कलर में लगाओ। तो ये अच्छे से आपको टाइट करना है, इसमें जो वेसल है ना वो बार बार बाहर निकलेगी लेकिन आपको एक जगह पर वो रखना है और उसको टाइट करना है, फिर ये देखो टोटली नहीं हिल जाएगा, देखो मैं इसको भी घुमा रहा हूँ टोटल नहीं हिल रहा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है अभी बाइक पर ये वाला इंडिकेटर। तो जी अभी देख सकते हो मैंने जो वायरिंग है वो भी फिक्स कर दिए हैं, ब्लैक ब्लैक में लगाया और जो दूसरा कलर है रेड हो ग्रीन हो वो ग्रीन में लगाया, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ से वापस वायरिंग लगानी है। और सेम अब मुझे जो ये पार्ट है ये बंद करेंगे और हम पहले उस साइड से भी बंद करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी आप लोग ऐसे कॉमेंट करके बताओ आप लोगों को ये वाला इंडिकेटर अच्छा लगता है या जो इससे पहले था बाहर वो अच्छा लगता है। तो जी देख सकते हो फाइनली जाके हमने जो इंडिकेटर्स हैं बोथ साइड्स हमने इंस्टॉल कर दिए,
अब जो फेयरिंग है वो काफी ज्यादा इजी है बंद करना, काफी ज्यादा इजी है। तो जैसे आपने लगाया था वैसे आपको थोड़ा बहुत प्रेस करना, ये इजीली बंद हो जाएगी। तो अभी हम जो नट्स हमने जो निकाले थे वो वापस बंद करते हैं। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये फ्लैशर्स, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जो ये वाला है ना, ये वाला रिपेट, इसको बोलते हैं रिपेट, जो ये वाला रिपेट है, ये वाला लॉक है, ये कैसे बंद करते हैं। तो जी अब जो ये रिपेट है ना, इसको आपको ऐसे लाना है हाफ टू हाफ। तो और जो जहां पर आपको ये बंद करना है वहां पर सिंपली ये आपको डालना है। तो ये डालने के बाद देखो कैसे करना है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, ऐसे आपको डालना है। फिर जो ये थोड़ा सा बाहर रहेगा ना, इसको धक्का दे के लेवल में लाना है। तो ये बंद हो गया, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ये रिपेट बंद करना। तो मैं सारे नट्स बंद करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, दो जो ये वाला रिपेट है ना, इसको आपको हाफ को लाना है, यहाँ पर बराबर करना है ऐसे, नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो फिर आपको जहाँ पर ये बंद करना है वहाँ पर सिंपली डालना है रिपेट। तो देखो रिपेट डाल चुका है, अभी थोड़ा बहुत ये बाहर है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। तो इसको फिर प्रेस करना है और ये बंद हो जाएगा, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये बंद करना ये रिपेट। तो जी भाई साहब फाइनली जाके देखो हमने ये इंस्टॉल कर दिया, पूरे 2 से 2.5 घंटे मुझे लगे चेंज करने में। पता नहीं आप लोगों को कैम मतलब वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इजी लगा होगा, बट इतना ज़्यादा इजी नहीं है। और देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारी बाइक पे, और अब टूटने का कोई खतरा नहीं रहता, जो कि वो बाहर रहते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी कसम से इस काम को करने में, मेरी तो बैंड बज गई कसम से, देखो हाथों की हालत देखो। तो जी भाई साहब पूरा 2 से 2.5 घंटे लगने के बाद अब जाके हमने कंप्लीट कर दिया, देखो अभी कैसे लग रहे हैं, पीछे से जल रहे हैं ये। तो ये रहे वो इंडिकेटर जो कि मैंने खुद ही रिपेयर करे, क्या बताओ कितनी ज्यादा मेहनत लगी। तो और एक बात, तो अगर आप लोग किसी को जानते हो जिसके पास गोप्रो होगा, या कोई गोप्रो सेल कर रहा होगा आपके फ्रेंड के पास होगा, आपके कोई रिश्तेदार के पास होगा, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर दूंगा। क्योंकि आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि आपकी जो क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है, क्वालिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव करो। तो मैं क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा, बट गोप्रो मैं सेकंड हैंड ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि नए के लिए मेरे पास अभी उतना ज्यादा बजट नहीं है। तो अगर आपके पास गोप्रो है या किसी के पास है तो उनको भी टैग करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो बाकी क्या करते हैं, बाकी आज काफी ज्यादा मेहनत लगी, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। मैं काफी ज्यादा थक गया कसम से, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई। तो बाकी मिलते हैं आप लोग और किसी ना इससे अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।